मोहनपुर नामक गांव में रीमा और सीमा नाम की दो बहनें अपने पिता समीर के साथ रहती थी। रीमा और सीमा की माँ की मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी। समीर की पत्नी के गुजर जाने के बाद समीर एक कमला नाम की औरत के साथ शादी कर लेता है। कमला बहुत लालची और चालाक थी। उसने तो बस पैसों के लिए समीर से शादी की थी। कमला रीमा और सीमा को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह समीर की सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। लेकिन रीमा और सीमा के रहते हुए वह यह नहीं कर पा रही थी। एक दिन कमला मन ही मन सोचती है, मैंने तो सोचा था कि समीर की सारी दौलत मेरी होगी, लेकिन उसकी ये बेटी तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। वह मन में ये सब बोल ही रही होती है कि तभी समीर उसके पास आता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम रसोई में खाना बना रही हो। खाना बन गया क्या? मुझे ऑफिस भी निकलना है। आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। समीर खाना आने का इंतजार करता है और कमला किचन के अंदर जाकर रीमा को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे रीमा, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि तुम्हारे पिता के तैयार होने तक खाना टेबल में लग जाना चाहिए? तुम दोनों को समझ नहीं आता? माँ, खाना बन ही गया है, पिताजी के लिए ले जाइए। उसके बाद कमला समीर को खाना दे देती है। मेरा मन कर रहा है ऑफिस जाने से पहले सीमा और रीमा से मिल लूं। अरे वे दोनों तो अभी सो रही है, उनको सोने दीजिए। लेकिन कमला, सुबह के 10 बज चुके हैं, अब तो उन्हें जगा दो। तुम अकेले कितना काम करोगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आप लोग मेरा परिवार है और आप लोग का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है जी, आप आराम से जाइए। कमला कभी भी समीर को उसकी बेटियों से मिलने नहीं देती थी और हमेशा यही बहाना बनाती थी कि वे दोनों सो रही है। लेकिन कमला वे दोनों को सुबह जल्दी ही उठा दिया करती थी और घर का सारा काम कराती थी। कमला उन दोनों पर बहुत अत्याचार किया करती थी और उन्हें मारती पीटती भी थी। सीमा, बर्तन अच्छे से धुले क्यों नहीं है? क्या तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा? लेकिन माँ, मैंने तो बर्तन अच्छे से धोए थे। कोई बात नहीं, अब ये सारे बर्तन फिर से धो और इस बार गलती से भी एक भी बर्तन छूटने नहीं चाहिए, समझी? ठीक है माँ। सीमा और रीमा अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती थी, क्योंकि कमला उन दोनों की गलती नहीं होने पर भी उन दोनों को मारती और बहुत जुल्म करती थी। एक घंटे बाद रीमा कपड़े धोती है। कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं कि तभी कमला उस कपड़ों पर पानी फेंक देती है। माँ, कपड़े तो अच्छे से सूख गए थे, फिर आपने उसमें पानी क्यों डाल दिया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से इस कपड़े को धो। तेरा एक बार का किया हुआ काम मुझे पसंद कहाँ आता है? दूसरी बार धोएगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा। ये मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है, क्योंकि ससुराल जाएगी तब कोई तुम पर उंगली ना उठाए। दोनों बहनें कमला के किए अत्याचार को चुपचाप सहती थी। रीमा फिर से पूरे मेहनत से कपड़े धोने लगी। तभी सीमा उसके पास आकर बोली, दीदी, हम क्यों उस सौतेली माँ के अत्याचारों को सहते रहें? हम पिताजी से क्यों नहीं कहते हैं? सीमा, पिताजी ने दूसरी शादी हमारे लिए ही की थी और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके ये फैसले से हम बहुत दुखी है और हम पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें चुप ही रहना चाहिए। जब से वो इस घर में आई है तब से हमें पिताजी से मिलने ही नहीं देती। मुझे तो वो डायन लगती है, डायन। और पिताजी भी तो बस अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें क्या मतलब उनकी बेटियों के साथ कुछ भी हो। लेकिन ये सारी बातें कमला सुन लेती है। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। मैं तुम दोनों को अभी सबक सिखाती हूँ। बहुत मुँह चल रहा है ना तुम दोनों का। माँ, सीमा का ये मतलब नहीं था। तुम दोनों को मैं अभी बताती हूँ। तुम इसके अलावा कर भी क्या सकती हो? मुझे नहीं लगता तुमसे डर। दे दिया सुनाई, जो करना है कर लो। इससे गुस्सा होकर कमला सीमा की खूब पिटाई करती है। अब खत्म हो गया तेरा डर? मैं तुम्हें अभी सीधा करती हूँ। माँ, उसे दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दो। रुक, तुझे भी अभी बताती हूँ। ये कहकर कमला रीमा की भी पिटाई करने लगती है। दोनों को काफी चोटें भी आई। अब तो मिल ही गई होगी तुम दोनों के कलेजे को ठंडक, मेरी शिकायत करने वाली थी। उसके बाद दोनों बहन अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे के चोट पर मरहम लगा रही थी। दीदी, हमें पिताजी को सब बताना होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बहन, तुझे दर्द हो रहा है। दोनों बहनें दर्द से बहुत रोई। रात को जब उसके पिता घर आए, कहाँ है मेरी दोनों बेटियाँ? तब कमला रोते हुए समीर से बोली, ए जी,
क्या आपको लगता है कि मैं सौतेली माँ हूँ? क्या आपके बच्चों से मैंने कभी प्यार नहीं किया? ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या बात है? आज उन दोनों ने मुझ पर हाथ उठाया, बल्कि उसने मुझे डाइन भी कहा और ये भी कहा कि मैं उस पे हमेशा अत्याचार करती हूँ। पर ये मैं ही जानती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, पर पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर समीर गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से से अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाया। पिता की आवाज सुन वे दोनों उनके पास गई। पिताजी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। आज हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात तो आज मैं तुमसे करूँगा। ये माँ है सौतेली नहीं, और तुम्हारी माँ तो कब के तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम दोनों को इतना प्यार दिया, फिर भी तुम दोनों ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? पर पिताजी, तभी समीर रीमा को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी माँ को सौतेली और डाइन कहो? पिताजी, बहुत हो गया। अगर आपको ये सौतेली माँ ही प्यारी है तो रहिए इनके साथ, हम दोनों इस घर से जा रहे हैं। हाँ तो चली जाओ, मुझे तो शर्म आ रहा है तुम दोनों को बेटी कहते हुए। दोनों बहनों के ऊपर पहाड़ टूट गया था। रीमा और सीमा घर से निकलते समय केवल अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी कंगन ही ले आई थी। रात के अंधेरों में दोनों इधर उधर भटकती रही। कमला तो बहुत खुश थी, जो मैं चाहती थी वो हो गया। अब तो वे दोनों घर से दफा हो गए। वहाँ अंधेरों में डर से दोनों बहनों का हालत खराब हो रही थी। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? उस कमला ने पिताजी को अपने बातों में इस तरह फंसा रखी है कि उन्हें तो हम पर भरोसा ही नहीं रहा। बुराई की हमेशा हार हुई है, ऐसा माँ कहती थी। दीदी, आपके हाथों में जो ये कंगन रखा हुआ है, ये माँ का है ना? हाँ, अभी चल कहीं रात बिताते हैं, फिर सुबह होते ही कहीं काम ढूंढने चलेंगे। हाँ, पर देखूँ तो मुझे ये कंगन आ रही है कि नहीं? सीमा जैसे ही वह कंगन को हाथ में लेती है, वैसे ही उस कंगन से एक आवाज आती है, बेटी मैं एक जादुई कंगन हूँ, तुम इससे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। दीदी, ये जादुई कंगन है, क्या मैं इसे कुछ मांग कर देखूं? हाँ सीमा, चल कुछ मांग कर देखते हैं। इतना कहकर वे दोनों उस कंगन से एक घर मांगती है। वहाँ एक घर आ जाता है, वे दोनों उस घर में जाकर सो जाते हैं। उसी रात समीर की पहली पत्नी मीरा समीर के सपने में आती है। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने आपके ऊपर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी सौंपी। आप तो एक अच्छे पिता बन ही नहीं पाए। पहले तो आप एक लालची और गलत औरत को अपने घर ले आए। आप जानते भी है कि उस औरत ने हमारी बच्चियों के साथ क्या किया है? इसके बाद मीरा कमला की सारी कहानी समीर को बताती है। सारी बात सुनते ही समीर की आँख खुल जाती है। तब सुबह हो गई। उठ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। पापी औरत, तुमने मुझसे मेरी बेटियों को अलग किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, पर इससे पहले मुझे मेरी बेटियों को ढूंढना होगा। कमला समझ जाती है कि समीर को सारी बातें पता चल गई है। समीर तुरंत अपनी बेटियों को ढूंढने चला जाता है। तभी रीमा और सीमा कंगन के दिए घर से निकलकर बाहर टहल रही थी। तभी समीर भागते भागते उस घर के पास पहुंचता है और अपनी बेटियों को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं पिताजी, आपको अब सच का पता चल गया है, हमारे लिए यही बहुत है। चलो अब घर चलते हैं। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहां वो डायन रहती है। मैं उसे धक्के मार कर अभी घर से निकालता हूं। वे तीनों जब घर पहुंचे तो वे तीनों देखते हैं कि तीन पहलवानों के साथ कमला खड़ी है, जो उन तीनों को घर में आने से रोक रहे थे। ये क्या नाटक है कमला? ये नाटक नहीं है, बल्कि ये घर अब से मेरा है। आपको तो याद ही होगा ना, मैंने आपसे एक दिन एक पेपर में साइन करवाए थे, ये बोलकर कि अनाथ आश्रम में दान देने के पेपर है, पर वो इस घर के पेपर थे, और अब से ये घर मेरा है। जाओ पहलवानों, इन तीनों को मार मार कर इस घर से बाहर निकालो। तीनों पहलवान जैसे ही उन तीनों के पास जाते हैं, तभी कंगन से एक तेज रोशनी निकलती है और उन तीनों पहलवानों को जलाकर भस्म कर देती है। ये सब देख कमला डर से कांपने लगती है। उसके बाद समीर कमला को धक्के मार कर उस घर से निकाल देता है और अपनी बेटियों के साथ खुशी से रहने लगता है।